हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इन पत्तियों को देखकर शायद आप अब तक समझ ही गए होंगे कि यह किस पेड़ की या किस पौधे की पत्तियां हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यह अमरूद की पत्तियां हैं। यह चमत्कारिक पत्तियां अमरूद के पेड़ की हैं और इन पत्तियों से बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज संभव है जो शायद किसी और चीज़ से ना हो सके। अमरूद कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यह बहुत बार आपने सुना होगा इसको कॉन्स्टिपेशन में या फिर बहुत सारी बीमारियों में इसको खाया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने में। लेकिन इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, जो इसकी लीव्स होती हैं, वह भी बहुत उपयोगी होती हैं क्योंकि यह अमरूद के फल से भी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। अमरूद के पत्तों के बारे में कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन आज मैं आपको हर बीमारी में कैसे आप इसका इस्तेमाल करके इन चमत्कारिक पत्तियों का, जो कि बहुत बहुत ईजिली बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है आपके आसपास, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, इसके जो फ़ायदे हैं वह अद्भुत हैं। आइए जानते हैं इसको आपको किस बीमारी के लिए कैसे यूज़ करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके लिए आपको अमरूद की पत्तियों को, जो उनका चूर्ण है यानी सुखा के उनका एक पाउडर तैयार कर लीजिए, यह इसको खाइए। क्योंकि फ्रेंड्स, अमरूद की पत्तियां जो हमारी बॉडी में जो जटिल स्टार्च होता है उसको शुगर में बदलने का काम करती है, जिससे जो हमारे शरीर को वेट लूज़ करने में सहायता मिलती है। इसलिए आप इसका रेगुलर तौर पर सेवन कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप इतना करना है कि अमरूद के 5-6 पत्तों को अच्छी तरह से साफ करके अच्छी तरह से एक कप पानी में आप इसको 10 मिनट्स तक रोज बॉयल करें और इसको छान कर आप रोज़ पीजिए। इससे जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है वह कंट्रोल में आएगा और आपको ज़्यादा दवाइयाँ खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, अर्थराइटिस के लिए यानी कि गठिया के रोगों के लिए भी अमरूद की पत्तियाँ बहुत अच्छी हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अमरूद की पत्तियों को कूट कर अच्छी तरह से इनकी एक लुगदी सी बना लेनी है, लेप की तरह। इसे गर्म करके हल्का सा आप जहाँ पे भी आपको अर्थराइटिस की दिक्कत है, गठिया से प्रभावित जो भी आपके स्थान है वहाँ आप लगाएंगे तो इससे वहाँ की सूजन भी दूर हो जाएगी और आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, डायरिया की यानी दस्त की समस्या के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको 30 ग्राम के लगभग आप पत्ते ले लीजिए और 2 ग्लास पानी में इसको उबालकर इसको छान लीजिए। इसको दिन में 2 बार पिए, इससे आपके जो लूज मोशन की समस्या है, दस्त की समस्या है, उससे आराम मिलेगा। और अगर आप इसको चावल की माड़ यानी जो चावल का पानी होता है उसमें उबालेंगे तो ये और भी ज़्यादा आपको लाभ देगा। अगर आपको पेट दर्द की समस्या है, वॉमिटिंग की या फिर फूड पॉइजनिंग की भी समस्या है, उसमें भी यह बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल दोनों ही गुण होते हैं और इसका पानी पीने से आपके पेट की इस समस्या को दूर किया जा सकता है। अगर फूड पॉइजनिंग हो गई है उससे उस समस्या में भी आपको इससे आराम ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ल्यूकोरिया की समस्या में भी आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। ल्यूकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी की जो समस्या होती है कि ज़्यादातर लेडीज़ में पाई जाती है, इसमें भी आप इससे आराम पा सकते हैं। इसके लिए आपको अमरूद की जो ताज़ी पत्तियां हैं उनका रस निकाल लीजिए। 10 से 20 मिलीमीटर आपको रस लेना है और रोज़ाना इसको दिन में 2 बार सुबह और शाम पियेंगे तो ल्यूकोरिया की जो बीमारी है उसमें आपको अप्रत्याशित यानी कि अद्भुत लाभ आपको मिल सकते हैं। जैसे मैंने बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम को तो यह दुरुस्त करता ही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, दांतों की अगर आपको समस्या हो गई है, दांत दर्द है या फिर आपकी गम्स की मसूड़ों की कोई भी बीमारियां हैं, तो उसमें भी अमरूद के पत्ते बहुत अच्छे हैं। आपको बस इतना करना है कि इनको पीसकर इनका एक लेप बना लीजिए एक पेस्ट की तरह। उसको आप अगर दांत में दर्द है या मसूड़े में दर्द है तो उस पर लगाएंगे, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपके गले में दर्द है, जैसे कहा जाता है कि गरारे आप करिए यानी कि गार्गल जिसको कहा जाता है, तो इसमें भी आप सिर्फ इतना करिए कि पानी जो भी आप गार्गल करने के लिए ले रहे हैं उसमें थोड़ी देर तक अमरूद के पत्तों को उबाल लीजिए, बॉयल कर लीजिए अच्छी तरह से। उस पानी को छानकर उस पानी से अगर आप थोड़ा सा ठंडा होने के बाद गार्गल करेंगे, कूला करेंगे, तो आपको इसमें गले के दर्द में तुरंत ही आराम मिलेगा। यह इतना इफेक्टिव है। मुँह के छालों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप अगर अमरूद के पत्तों को साफ करके कुछ देर के लिए चबाएंगे तो मुँह के छालों में आपको आराम मिलेगा। या फिर ज़्यादा आप लाभ लेना चाहते हैं तो अमरूद के पत्तों पर कत्था लगाकर आप इसको चबाइए, इससे आपके मुंह के छाले बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, डायबिटीज़ ये रोगियों के लिए भी अमरूद के पत्ते बहुत ही चमत्कारी लाभ देते हैं, क्योंकि एक शोध में ऐसा पाया गया है कि अमरूद की पत्तियों में अल्फा ग्लूकोसाइसिस एंजाइम की क्रिया को
जो कि हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल होता है उसको कम करने में मदद करता है। इसको बढ़ाने में अमरूद की पत्तियाँ बहुत ही मदद करती हैं और साथ ही साथ सुक्रोज और लैक्टोज को सोखने से इसको शरीर को रोकती है, जिससे कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और हमारी डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहती है। इसमें डायबिटीज़ के जो भी पेशेंट्स हैं उनको अमरूद के पत्तों का चूर्ण रेगुलर तौर पर लीजिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। फ्रेंड्स, ये हेल्थ के साथ बेनिफिट्स के साथ साथ ये आपकी स्किन और आपकी बालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको पिंपल्स की समस्या है तो आप जो ताज़ी पत्तियां अमरूद की लेकर, खासकर जो कोंपले होते हैं, जिन जो नई पत्तियां होती हैं, उनको पीसकर पिंपल्स पर लगाएंगे तो आपको कुछ ही दिनों के लगाने से पिंपल्स आपके पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। या फिर अगर आप बालों के लिए इसका यूज़ करना चाहते हैं, बालों की अगर आप ग्रोथ आप बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आप अमरूद की पत्तियों को पीस कर इसको अपने बालों की जड़ों में लगाइए। इससे आपके बालों को पोषण मिलेगा, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बालों के ग्रोथ के साथ साथ अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है तो भी आप इसके रस को बाल धोने के बाद अगर एंड में आप इसको लगा लीजिए। इसके बाद साथ अगर फ्रेंड्स अपने बालों के रंग को आप डीप करना चाहते हैं, यानी कि नेचुरल तौर पर उनको ज़्यादा काला करना चाहते हैं, तो भी अमरूद के पत्तों का रस उसमें बहुत अच्छा आपकी मदद करेगा। फ्रेंड्स, ये एंटी एलर्जिक भी है और किसी तरह की अगर आपको एलर्जी रहती है तो इसके खाने से आपको उसमें भी लाभ ज़रूर मिलेगा। डेंगू के बुखार में भी इसका अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है। इसके लिए आपको 10 के करीब पत्ते लेने हैं और 5 कप पानी में आपको इसको उबालना है। जब ये पानी हाफ रह जाए, ऑलमोस्ट 2.5 कप या 3 कप, तो इसको ठंडा होने के लिए रखिए और इसको 1-1 कप करके दिन में आपको 3 बार पीना है। इससे आपके डेंगू बुखार में आपको कमी आएगी, साथ ही ब्लड प्लेटलेट्स जो डेंगू की वजह से कम हो गए हैं उनमें भी आपको आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे अमरूद के पत्तों के कुछ ऐसे लाभ जो कि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक हैं, क्योंकि यह सिर्फ आम नॉर्मल देखने में आपको पत्ते लगेंगे, बहुत इजीली अवेलेबल हैं और यूजुअली हम इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते, लेकिन इनके इतने सारे लाभों को जानने के बाद आप भी इनका इस्तेमाल अपनी बीमारी को ठीक करने में कर सकते हैं और अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं वह भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।